मुझे इस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र के, रामगिरी महाराज, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर एक बड़ा बवाल जो है देश में है, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो है कहा जा रहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई है, किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है राजनीति का एक नया ट्रेंड आ गया है कि अगर आपको लोकसभा की टिकट चाहिए, विधानसभा की टिकट चाहिए या भाजपा में कोई पोस्ट चाहिए तो आप मुसलमानों के खिलाफ, उनके धर्म गुरुओं के खिलाफ जहरीले बयान देते रहो। यही काम कर रहे हैं कुछ लोग, जिस तरीके से कभी नूपुर शर्मा, कभी तमाम लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, साधु की तो वाणी ऐसी होती है जो सबको जो है एक इंसानियत की बात कहे, मानवता की बात कहे। इस पे मेरे को एक कहावत याद आती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपा उस शीतल होए, कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे आपको भी अच्छा लगे और सुनने में दूसरे को भी अच्छा लगे। दूसरी बात यह कि हमारे धर्म में, आपके धर्म में, सबके धर्म और मजहब में एक चीज सिखाई गई है कि आप अपने भी धर्म की रिस्पेक्ट करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक बात कही है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, ये तो सभी के हैं। कहीं गीता में अगर लिखा हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो हिंदुओं के नहीं, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। कहीं कुरान में लिखा हो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमान के नहीं, वो सबके, और उन्होंने लिखा भी है कि वामा अरसल नाकल रहमतुल्लाह आलमीन, वो जो है वो पूरे सबके आला, सबके बिल्कुल नबी हैं सब, बिल्कुल। तो उनके लिए इस तरीके की बात करना ये सरासर गलत है। दूसरी बात ये कि आप इस्लाम को पढ़कर तो देखिए, जिस देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट किया गया, जिस देश में ये दिखाया गया कि मुसलमान जो है वो इस देश के लिए गद्दार है, ऐसा क्रिएट किया भाजपा ने, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस देश के अंदर, अगर उसको नमाज पढ़ने से पहले अगर पानी नहीं मिलता पाक साफ होने के लिए, तो उसमें यह तक लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि आप उस देश की मिट्टी से वजू कर सकते हैं, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात यह कि मीर उस्मान अली कौन थे, आप पढ़ के देखिए ना, अशफाकुल्ला खां कौन थे, आप पढ़ के देखिए, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आज आप उनके धर्म गुरुओं के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये सब बातें कब हुआ करती थी और कब ये शुरू हुआ, ये सब चीजें करते थे अंग्रेज। जब अंग्रेजों को इस देश पर कब्जा करना था तब अंग्रेज यही काम करते थे कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाते थे, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते थे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो महाराज हैं उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, बहुत ही शर्मसार ये बयान है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप इस देश के मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बड़े बड़े पदों पर मुसलमान क्यों बैठे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकलती? जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मतलब अगर कोई मुसलमान भाजपा में है तो ठीक है, नफरत थोड़ी कर रहे हैं मोहसिन, नफरत थोड़ी कर रहे हैं वो। मैं तो बयान दिया है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज अगर किसी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया तो कल को एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर कोई क्या कहते हैं मुसलमान अगर हिंदू धर्म के उसको लेकर बयान देगा तो दंगाई तो होगा देश में, देश में विद्रोह तो होगा और क्या होगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम इस मुल्क के चार भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी पूजा, हमारी पाठ वो अलग हो सकती है, हमारी धर्म को मानने की जगह अलग हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे ईश्वर अल्लाह भगवान अलग है, नहीं, वो सिर्फ एक है। एक बात बता दूं, वो सिर्फ एक है। और जिस तरीके से जब उस महाराज को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, और कुछ वहां के लोग जब सड़क पर आते हैं आंदोलन करने के लिए, तो दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का संविधान जो देश के प्रत्येक नागरिक को प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है, राइट टू स्पीच का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है, उस देश में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है। अरे अवैध था ना भैया, मैं आपसे कहता हूं कि अगर अवैध वो था तो सबसे पहले तो आपको उनको नोटिस सर्व करना चाहिए, और अगर वो अवैध था तो उसके घर पे जो गाड़ियां थी, जो गाड़ियां आपने चुरम चूर करी हैं, गाड़ियां अगर इलीगल हैं तो सरकार का राइट है कि सरकार उन गाड़ियों को जब्त करे, उनके ऊपर, उनको गाड़ियों को चूर करने का कोई राइट नहीं है। और अगर वो अवैध था या अतिक्रमण था तो आपको पहले नोटिस सर्व करना था। और दूसरी बात यह कि बुलडोजर का प्रावधान जिस तरीके से आज संविधान को चूर चूर किया जा रहा है, बुलडोजर का प्रावधान इस संविधान में है ही नहीं। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि अगर जिन लोगों को वहां अरेस्ट किया गया, अगर वहां से किसी का भी वकालतनामा मेरे पास आता है तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा। मैं आपको बताऊं, और जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो सब के सब सस्पेंड होंगे। मैं आपको बता दूं,
सबके सब सजा काटेंगे, क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, आपने विदाउट नोटिस सर्व करे आप किसी के ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, और आपको बुलडोजर चलाने का हक और अधिकार घर पे, और वो भी जब है जब आप पहले नोटिस सर्व करेंगे, विदाउट नोटिस सर्व करे आपने बुलडोजर कैसे चलाया, नोटिस सर्व करने के 48 घंटे माहौल खराब कर रहे थे, वो माहौल खराब कर रहे थे प्रोटेस्टर। भाई मैं आप कह रहा हूं, अगर कोई प्रोटेस्टर अगर माहौल खराब करता है तो सरकार का राइट है कि उसको उठा के जेल में बंद करेगी, उसकी गाड़ियों पर उसके घर पर बुलडोजर चलाने का राइट तो नहीं है, यह है आप मुझे बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के अंदर? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बताइए। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जिस तरीके से गुस्ताखी की गई। अरे गुस्ताखी थोड़ी, कोई एक चीज बोलिए जो कायद ग्रंथों में लिखा है वो सब बोल। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप पहली तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र के जो बाबा है जो उन्होंने ये बात करी है, क्या उन्होंने कुरान को पढ़ा है या उन्होंने हदीस को पढ़ाया? मुसलमान तभी तो बोल रहे ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहली बात तो ये कि जो आपने ये बात बोल दी कि पढ़ाए तो उन्होंने ये बात बोली है, आप पढ़ के तो बोल रहे ना। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपसे कोई पूछ रहा है, आप अपने धर्म की चीजें बताइए ना। आप एक बात मुझे बताइए, आप मुसलमानों के बाबा या हिंदुओं के? आप हिंदू धर्म की अच्छी चीजें हिंदुओं तक पहुंचाइए, आप बताइए भगवान श्री कृष्ण ने के बारे में, आप बताइए जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत और आबरू आज लूटी जा रही है, आप बताइए कि कैसे महिला के सम्मान में लंका दहन कर दी गई, बताइए ना। आप राम के बारे में बताइए, सीता के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए, आपको क्या जरूरत है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करने की? क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, और आप टीआरपी बटोरने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं आप हो बाबा, और बाबाओं का काम होता है देश और समाज में लेकिन मोहित धर्म की बातों को फैलाना, ना कि नफरत फैलाना। लेकिन मोहित शर्मा आपकी गलत बात है, देखिए आप तिलक विलक लगा के और बाबा महाराज या सनातनी हम का विरोध कर रहे हैं। मैं बाबा का विरोध नहीं, मैं एक बात उन्हें समझा रहा हूँ कि भैया बाबा, अब एक बात मुझे बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं एक बात मुझे बताइए, मैं अपने धर्म के बारे में तो बता सकता हूँ, जब आप मुझसे दूसरे धर्म का पूछिए मुझे नहीं पता। मेरे धर्म में सिखाया गया है कि मैं अपने भी धर्म का सम्मान करूं और दूसरे भी धर्म का सम्मान करूं। दूसरी बात यह कि एक बात मुझे बताइए, वो बाबा हिंदू धर्म के बाबा हैं तो उनको भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, उनके बारे में बताना चाहिए ना, उन्हें क्या जरूरत है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम से इतनी हमदर्दी क्यों है? भाई मेरे को तो मेरे देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक से हमदर्दी है, क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की आजादी में जिन मुसलमानों ने अपने सर कटवा दिए, जिन मुसलमानों ने, जिन माओ ने अपने बच्चों को खो दिया, क्या उनका आजादी में योगदान नहीं? और आप क्या चाहते हैं कि आज भी हम 21वीं सदी के भारत में आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये याद रखिएगा, इस देश के प्रत्येक मुसलमान के साथ इस देश का हिंदू खड़ा हुआ है और प्रत्येक हिंदू के साथ इस देश का मुसलमान। अरे भाई लेकिन वो कह रहे हैं हमारा जो बयान है तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, बेकार में ऐसे। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, चाहे तोड़ के दिखाया गया, चाहे मोड़ के दिखाया गया, आपको जरूरत क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको जरूरत क्या है ये सब चीजें बताने की? आपको अपने धर्म का पता नहीं होगा, मैं भी आपसे आपके धर्म के प्रचार की पूछ लूं ना तो आपको वो नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि प्रभु श्री राम का नाम क्या, उनके पिताजी का नाम क्या है, इनको ये नहीं पता होगा कि प्रभु श्री राम का पूर्णतः नाम क्या, उनका पूर्ण नाम क्या है, संपूर्ण नाम क्या है। भैया इस देश में टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और इस देश के अंदर एक बात बोलूंगा, आप लोग ऐसे ही उलझे रहो, ऐसे ही लड़ते रहो। आपने देखा होगा आज भी देश के गृह मंत्री का बेटा, अमित शाह का बेटा, बीसीसीआई से आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, और आपके बच्चे लड़ते झगड़ते हुए अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, ना तो आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही, ना उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा, आप लड़ते रहिए हिंदू मुसलमान में। इसी बीच जो है आपने देखा कि एकनाथ शिंदे का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार में संतों को बाल भी बाका नहीं कर सकता, पूरा समर्थन है बाबा को। भाई एक बात आप मुझे बताइए, संतों को, भाई संतों का तो सम्मान ये देश करता है, संतों की तो वाणी ऐसी होती है जो मन को प्रफुल्ल कर देती है। ये लोग जो देश के अंदर दंगे फैलवा रहे हैं, ये अपने आप को संत कहते हैं? आप मुझे ये बताइए, मुझे बताइए ना आप मुझे। भाई बाबा कैसी बात कर रहे हैं, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जो इस देश के संत हैं, मैं साधु महात्माओं का, संतों का सम्मान करता हूँ भाई, संतों के तो इस देश तो उनके साथ खड़े हो ही ना, फिर किनके? बाबा के, महाराज के साथ खड़े हो। एक बात आप मुझे बताइए, कल को कोई क्या कहते हैं किसी और धर्म को लेके बोलेगा, मेरा ये काम नहीं है भाई, मेरा ये काम ही नहीं है भाई। मैं उन संतों का सम्मान करता हूँ जो संत ऐसी वाणी बोलते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, और धर्म कहता है सबसे प्यार करना, स्नेह करना, वो धर्म सिखाता है। मोहित शर्मा जी सवाल ये है कि अगर रामगिरी का महाराज का आपको विरोध करना है, उसने गुस्ताखी किया, विरोध करना है, तो आप विरोध के आधार पे आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देंगे? बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वो पत्थरबाजी करने के ऊपर हुई है?
नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, तो बुलडोजर के अंदर भी जो आपने जो बुलडोजर आपने कहा कि चलाया, तो गाड़ियों को चलाने का तो राइट ही नहीं है, गाड़ियों को तोड़ने का, वो आपने किस बिहाब पे कर दिया, नोटिस आप सर्व करेंगे। पहले आप दो बातें कर रहे हैं, आपने कहा कि पत्थरों की बाजी के ऊपर चलाया, दूसरा आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि वो अतिक्रमण था या पत्थर के ऊपर चलाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से वहां पर आपने कार्रवाई कर दी। इस देश में न्यायपालिका है, सजा देने के लिए न्यायपालिका है, और जो बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं उनों के घरों पर तो नहीं चल रहा बुलडोजर। मैं कह रहा हूं बुलडोजर चलना चाहिए बेटियों की इज्जत लूटने वालों की छाती के ऊपर इस देश में, और बीच चौराहे पर उन्हें उसी बुलडोजर पर लटका के फांसी दी जानी चाहिए। इस बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि सुमोटो लिया, आपने देखा था कि एक पे क्या कहते सुप्रीम कोर्ट ने लिया, फिर हाथरस पे भी सुमोटो, हालांकि वो नहीं लेना चाहिए, हाथरस पे भी लिया सुमोटो, आपने देखा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल सबसे पहले तो बैन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश में न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इस देश में अदालतें हैं, आप अपने आप ही जो है क्या कहते कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर लेके झामर जी चढ़ जाते हैं। भाई आप एक बात मुझे बताओ, राम रहीम की कितनी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला, चिरम्यानंद, नित्यानंद, आसाराम, कितनी प्रॉपर्टियों पर चला, पूरा देश पूछना चाहता है ना भाई कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों की कितनियों की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला। मुझे वो सवाल ये है कि इनको हिम्मत कहाँ से आती, क्योंकि इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, आप भी मानते हैं इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, और उनके प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं, कोई भी आती अभी ट्रेंड सा चल रहा है, कभी नुपुर शर्मा बोल दे रही है, कभी टी राजा, कभी नवीन जिंदल, अभी महाराज, कितनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि ये जो हिम्मत की आप बात कर रहे हैं ना, असल में क्या है कि जब एक छोटा बच्चा खेलता है, इस बात को बड़े गौर से पूरे देश के लिए बताना चाहता हूं, कि जब एक छोटा बच्चा खेलता है और खेलते खेलते गिर जाता है, और उसके पांव में जब चोट लग जाती है, तो उसकी माँ उसको उठाते हुए जमीन पर हाथ मारते हुए बोलती है कि बेटा चुप हो जा, चींटी मर गई। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उस बच्चे का ध्यान हट जाए। यही काम देश की सरकार कर रही है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान क्रिएट करती है, और उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को प्रीप्लान किया था जो इस तरीके के बयान देते हैं। अब से कुछ समय पहले एक का बयान आया था, संत परमहंस का, जो ये कह रहा था कि मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं, जैसे शाहरुख खान तो कोई आम आदमी है, सबको पता है मन्नत में शाहरुख खान रहता था, कह रहा मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे, शाहरुख खान कहीं खो गया है, फिर वो कह रहा मैं जल समाधि ले लूंगा। भैया उसने कोई समाधि नहीं ली। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन भाईचारे के साथ, लेकिन मोहित शर्मा की देखा जाता है गिरफ्तारी, क्योंकि पहले नुपुर शर्मा की भी नहीं हुई, राजा की नहीं, नवीन जिंदल की नहीं हुई, अब महाराज का गिरफ्तारी होगी कुछ लग रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं होगी, मैं पहली बता दूं, उम्मीद आशा बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, और ऐसे लोगों को कहां से शय मिलती है पूरा देश जानता है, ठीक है ना। और आप इस तरीके के काम करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां दिवाली और रमजान एक साथ मनाया जाता है, उस खूबसूरती को खराब ना करें। जय हिंद जय भारत। ये बता दीजिए मुझे कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे क्या लग रहा है? देखिए एक बात बता दूं कि टारगेट मुसलमान किसी को नहीं कर रहे, टारगेट हिंदू मुसलमान के लिए कोई महत्व नहीं रखता, ना हिंदू मुसलमान को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान दब के रहे भारत में, क्या ऐसा? भैया मैं आपको बता रहा हूं मुसलमान तो इस देश में बहुत कम है, उससे तो हिंदू है इस देश में, तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो दब कौन रहा है? हिंदू दब रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो कौन नहीं, ऐसे बयान देके मैं कह रहा हूं, ऐसे बयान देकर कह रहा हूं मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब चीजें करी जा रही हैं, ना तो इनका हिंदू मायने रखता ना मुसलमान मायने रखता। आप एक बात मुझे बताइए, प्रज्वला रमन्ना ने हिंदू बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, आज एक बात मुझे बताइए, मणिपुर के अंदर वो हिंदू बेटियां थी, अगर उसमें अपराधी जहां पर भी मुसलमान होते तो ये बोलते, वरना नहीं बोलते। जय हिंद जय भारत, वंदे।